सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम्स यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए एम्स नॉर्थसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है बैट सोर। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ बैट सोर। ये जो भी मेरे टॉपिक्स हैं ये मेरे नोट्स हैं। ठीक, तो नोट्स के थ्रू मैं आप लोग को ये इजीली प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले बैट सोर क्या होता है। बैट सोर का मतलब होता है इंजरी टू द स्किन एंड टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रिक्शन। अगर हमारी स्किन में प्रेशर पड़ जाए या फ्रिक्शन, उसकी वजह से अगर हमारी स्किन और टिश्यूज में इंजरी हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बैट सोर। नेक्स्ट इसके कॉजेज आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी कॉजेज क्या हैं। तो इसका जो प्राइमरी कॉज है वो प्रेशर होता है। ठीक है, मॉइस्चर भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है और शेयर। ठीक, अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर्स आप लोग क्या समझते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जो कि मतलब कि बैट सोर को और प्रोवोक करते हैं। तो पहला है हमारा इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। अगर हमारे सेल्स टिश्यूज में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है ब्लड का, तो वो सबसे मेन रिस्क फैक्टर है। देन एडिमा है, अगर डायबिटीज मेलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज है। देन पैरालिसिस अगर है पेशेंट को, क्योंकि पैरालिसिस है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मूवमेंट नहीं होगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा तो वहाँ पे सेल टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक, अनहाइजीनिक कंडीशन जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, अगर इमोबिलाइजेशन, जैसे कोई भी पेशेंट है अगर चलता नहीं है, ठीक है, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वही बात है, इसमें नेक्रोसिस हो जाती है टिश्यूज़ की। नेक्स्ट हमारा कोमा। कोमा पेशेंट भी लाइंग पेशेंट्स होते हैं, बैड रिडन होते हैं वो, तो वो मूवमेंट नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा, बैट सोर हो जाएगा, क्योंकि स्किन और टिश्यूज़ में सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट हमारी पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होगी। कोई भी पेशेंट लाइंग डाउन है सेम पोजीशन में लंबे समय के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस। बोनी प्रोमिनेंस में प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो डेथ ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स। दिस में लीड्स टू कॉज डेक्यूपिटस अल्सर। ठीक है, बैट सोर का दूसरा नाम डेक्यूपिटस अल्सर भी होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइट्स ऑफ बैट सोर। मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप द प्रेशर अल्सर इज सेक्रम। अनदर सेकंड मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप प्रेशर अल्सर इज हील्स। ठीक है, अदर साइट जैसे कि ऑक्सीपिटल, स्कैपुला एंड एल्बो, ये भी हमारी क्या होती है, बैट सोर की मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं। ये क्यों है, क्योंकि वहाँ पर बोन का जो है बोनी प्रोमिनेंस एरियाज होते हैं। ठीक है, नाउ पोजिशन क्या होगी। पोजिशन अगर पेशेंट लेटरल पोजिशन में लेटा हुआ है तो मोस्ट कॉमन साइट क्या हो सकती है बैट सोर की, एयर होगा, ठीक है, शोल्डर होगा, रिब्स होगा, ठीक, सुपीरियर इलियक क्रेस्ट हो सकता है। अगर पोजीशन पेशेंट की प्रोन है, प्रोन मतलब कि उल्टा लेटा हुआ है, तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है टू डेवलप प्रेशर अल्सर इज टेम्पोरल। ठीक है, चीक हो जाएगी, एंटीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर, नी, टोज एंड सोल ऑफ द फुट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैट सोर, दैट इज स्टेजेस ऑफ बैट सोर। ठीक है, स्टेजेस से हर बार क्वेश्चन आ चुका है। स्टेज वन, सबसे पहले इजी लैंग्वेज, हमारी फोर स्टेजेस होती हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर। स्टेज वन में क्या होगा, देखो स्टेज वन में जैसे कि हमारा स्किन है, स्किन में क्या होती है, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में रेडनेस हो गई है, तो हम कहेंगे रेडनेस हो गई है, कलर चेंज हो गया, नॉर्मल स्किन से अगर उसका कलर चेंज हो चुका है तो स्टेज वन में आएगा वो। ठीक है, जैसे कि डार्कर स्किन, रेड कलर की स्किन, अगर ब्लूइश है तो इसका मतलब ये है कि रिस्क है पेशेंट। ठीक है, जो पेशेंट पर्सन है वो रिस्क में है जिसके ब्लड सोर के। ठीक है, और अगर देखा जाए इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, तो इसका मैनेजमेंट सिर्फ ये होगा कि हम ऑब्जर्व करेंगे और प्लेन वाटर से उसको क्लीन करेंगे। और इसमें मेन चीज़ तुम्हें याद रखनी, स्टेज वन में ओनली एपिडर्मिस इज इन्वॉल्व्ड। सेकेंड स्टेज हमारी आती है, इसमें हमारी दो लेयर इन्वॉल्व रहती हैं, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस। ठीक, और इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस बता दिया मैंने। मैनेजमेंट इसका क्या होगा, क्लीन विद सॉल्ट वाटर, दैट इज नॉर्मल सलाइन से हम क्लीन करेंगे इसमें। थर्ड स्टेज आती है हमारी, इसमें हमारी एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस मतलब सबकटेनियस टिश्यूज, ये तीनों की तीनों जो लेयर्स हैं ये हमारी स्किन की, ये इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारी फुल थिकनेस स्किन लॉस टू डर्मिस एंड सबकटेनियस टिश्यूज, मतलब कि हमारी स्किन लॉस इसमें हो चुका है फुल थिकनेस। ठीक, नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है, लास्ट स्टेज, स्टेज फोर होती है, ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है, इसमें बोन्स भी विजिबल हो जाती हैं और ये पेनलेस होता है। पेनलेस क्यों, क्योंकि हमारी नर्व्स जो हैं, नर्व एंडिंग्स डैमेज हो चुकी है। हमें दर्द कब होता है, जब हमारी नर्व्स इन्वॉल्व रहती हैं तो हमें दर्द होता है ना। अब नर्व सब कुछ डैमेज हो चुके हैं तो क्या होगा, दर्द ही, मतलब कि पेन भी फील नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है नेक्रोसिस, स्टेज फोर में नेक्रोसिस हो जाता है। दो चीज़ें, दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये देखिए, इस्चार मतलब क्या होता है, इस्चार एंड स्लो। इस्चार का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ स्किन फ्रॉम दी अंडरलाइन टिश्यूज, अंडरलाइन टिश्यूज से अगर स्किन सेपरेट हो जाए तो उसको इस्चार बोलेंगे। स्लो मतलब कि जैसे कि कोई भी स्टिकी सब्सटेंस अटैच हो रखा है जो हमारी बोन से, उसको स्लो बोला जाता है। ठीक है, मेन चीज़ तुम्हें स्टेज फोर में ये याद रखनी है कि हमारी इसमें बोन्स भी विजिबल हो जाती हैं, इतना डीप हमारा जो है बैट सोर चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैट सोर। तो हाँ, एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बैट सोर में हमारा असेस करने के लिए कौन सी स्केल का यूज़ किया जाता है, उसका नाम होता है ब्रैडन स्केल। ब्रैडन स्केल का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 6 से 23 के बीच में होता है। ठीक है, अगर हमारा देखा जाए ब्रैडन स्केल में अगर लेस देन 9 है तो उसको वेरी हाई रिस्क बोलेंगे, कि उसको वेरी हाई रिस्क में है कि उसको बैट सोर हो जाएगा। अगर 10 से
12 के बीच में है तो हाई रिस्क होगा, 13 से 14 के बीच में ब्रैडन स्कोर आ रहा है तो मॉडरेट रिस्क होगा, और अगर 15 से 18 के बीच में आ रहा है तो माइल्ड रिस्क होगा, अगर 19 से अबव है तो कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक, तो हमारा मेन मैनेजमेंट क्या होगा इसमें? मेन मैनेजमेंट यही होगा कि हमें क्या करना है, एवरी 2 आवरली अगर कोई पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है तो उसकी पोजीशन एवरी 2 आवरली चेंज करनी है। इफ द पेशेंट इज सिटिंग इन द चेयर देन वी हैव टू चेंज इट्स पोजीशन इन 15 मिनट्स। ठीक है, और क्या हो सकता है, हम एयर बैग मैट्रेस यूज़ कर सकते हैं, वाटर बैग मैट्रेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें मसाज भी कर सकते हैं सो दैट द ब्लड सप्लाई मे बी इंक्रीज्ड इन दैट एरिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिवेंशन। नाउ ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में अगर स्टेज 1 में है तो हम प्लेन वाटर से क्लीन करेंगे, स्टेज 2 में है तो क्लीन विद NS। ठीक है, और हमें क्या करना होता है, इन पेशेंट्स में प्रोटीन डाइट को इंक्रीज कर देना होता है। एडल्ट का कितना होता है, 1 ग्राम पर बॉडी वेट हम देते हैं नॉर्मली। विटामिन सी दिया जाता है पेशेंट्स को, ठीक है, और हमारा जिंक ऑक्साइड दिया जाता है। जिंक ऑक्साइड क्या करता है, डिसअपेयर कर देता है रैश को और रिलीव करता है मसल स्पाज से। ठीक, उसके बाद हीट इज अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब से हम क्या कर सकते हैं, हीट भी अप्लाई कर सकते हैं, 100 वॉट की हमारी इसमें पावर दी जाती है। ठीक, प्लेस फ्रॉम 45 to 60 cm फ्रॉम द वुंड, कितना डिस्टेंस वो, ठीक है, और कितने मिनट तक हम ये हीट अप्लाई कर सकते हैं, 10 मिनट तक। ठीक है, एक नया मैनेजमेंट, एक चीज़ और आप लोगों को पता चलेगी, अगर इंसुलिन कोई भी हमारी इंसुलिन है हमारे पास, उसका ड्रॉप अगर हम प्रेशर सोल पे डाल देंगे डायरेक्टली तो इट विल ऑल्सो इम्प्रूव दी बैड सोर पेशेंट्स कंडीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट बैड सोर। सो ऐसे ही मैं आप लोगों के नए टॉपिक्स लेके आऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। एम्स नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।